आई एम वेटिंग फॉर समवन, थोड़ी देर बाद आइए। Are you fine? Yes, I am. What about you? I'm fine. I think आप comfortable feel नहीं कर रही हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था आपको यहाँ पर बुलवाकर। लेकिन मैं चाहता था कि हमारी शादी की बात फाइनल होने से पहले एक दफा हम मिल लें। क्या है ना कि जो सामने जिस तरह बात होती है इस तरह फोन पे तो नहीं हो सकती थी। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई थिंक फाइनल ईयर है ना आपका? जी, वो दरअसल मैं भी आपसे एक बार अकेले में मिलना चाहती थी। एनी ऑर्डर सर? प्लीज ऑर्डर। मेरे लिए ऑरेंज जूस ले आइए प्लीज। अरे कुछ खाने के लिए भी मंगवाए ना। नहीं, मैं खाना खा के आई। अच्छा, फिर मेरे लिए भी सेम। वो पापा बता रहे थे कि आपने सीए किया है और नौकरी भी कर रहे हैं, आपका तो फ्यूचर ब्राइट है, ऐसे मेरे पापा सोचते हैं। जी बस स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैसे शादी के बाद आपका क्या इरादा है? आई मीन हाउसवाइफ बनना पसंद करेंगी आप या फिर कुछ और? मैं तो सोचती थी कि मेरी जहाँ भी शादी हो उनकी फैमिली की विश के हिसाब से कुछ करूँ, मगर पता चला कि आपकी फैमिली में सिर्फ आप हैं। जी हाँ, मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। मैं 2 साल का था और फिर मेरी आंटी ने मेरी परवरिश की और फिर उन्होंने मुझे सीए करवाया। लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई थी। दरअसल मेरी फैमिली आपसे मुझे मिलने नहीं दे रही थी, फिर मेरी जिद करने पे उन्होंने इजाजत दे दी। क्यों? आप तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और फिर आपके पापा तो मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं। जी, वो जानते हैं, आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही। तो फिर मिलने का मना क्यों कर रहे थे? दरअसल वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने पास्ट के बारे में आपको कुछ बताऊं। पास्ट के बारे में? क्या मतलब? आप आपका कोई अफेयर या लव स्टोरी थी? नहीं, कुछ बहुत बुरा हुआ था। क्या मतलब? आपकी शादी या फिर डिवोर्स वगैरह शायद कुछ? मेरा रेप हुआ था। रेप? जी, 4 लोग थे, हमारे घर पे डकैती हुई थी, उन्होंने पापा को एक कमरे में बंद कर दिया था गन पॉइंट पर, और सारी ज्वेलरी और कैश लेने के बाद उन्होंने दूसरे कमरे में ले जाकर मेरा रेप कर दिया। पापा ने पुलिस में
सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं करवाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, और उन्होंने मम्मा को भी किसी को बताने को मना कर दिया। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मैं बहुत दिनों तक कॉलेज नहीं गई थी। इवन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी अभी तक नहीं बताया। आपको पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए थी। चले वो आपका जिक्र नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट उन क्रिमिनल्स को तो सजा मिलनी चाहिए थी। जी, उनको सजा मिल गई थी। कुछ अरसे बाद ही वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। पापा ने मम्मा को उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी। मैं जानती हूँ कि कोई भी लड़का किसी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता, मगर मैं ये सब छुपाकर किसी को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती। आई नो कि आपके लिए सब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। आप कल तक सोच लें, हम कल इसी वक्त इसी जगह पर मिलेंगे। आई थिंक आपके सोचने के लिए इतना टाइम काफी था, या आपको कुछ और टाइम चाहिए? नहीं, इतना टाइम काफी था, लेकिन माय आंसर इज दैट के मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। क्यों क्यों हसन, आप उससे शादी क्यों नहीं कर सकते? Just because of I have been sexually abused, उन जानवरों ने मेरे साथ ऐसा किया, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या आपकी माँ और बहन के साथ ऐसा हुआ था तो आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते? मैंने अगर आपको ये सब ना बताया होता तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लेते। सही कहते हैं पापा, इस सोसाइटी को सच एक्सेप्ट ही नहीं है। नहीं पागल थी। कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। एंड आई एम सॉरी, मुझे आपको कॉल करके ही बता देना चाहिए था। एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग एवरीथिंग, इट डजंट मैटर फॉर मी। मुझे आपके बात से कुछ लेना देना नहीं। हमें अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना है। थैंक यू। वेलकम।